स्पोर्ट्स लवर्स की कोई कमी नहीं है। इस बीच अगर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो जो लोगों का क्रेज होता है वो अलग ही लेवल पे दिखाई देता है। एंड इसी से अगर मैं बात करूँ जो 1983 में पहली बार जो जीत हुई थी, जो 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसमें जो इंडिया की जीत हुई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो वहाँ पर जो लोगों का क्रेज था वो अलग ही लेवल पे था क्योंकि वो इंडिया की पहली जीत थी। इस मेमोरी को दोबारा रिवाइज करने के लिए, दोबारा मेमोराइज करने के लिए एक मूवी बनी 83। एंड वो मूवी जो 24 दिसंबर को रिलीज हुई, उससे पहले उसकी कास्टिंग कर दी गई 23 दिसंबर को NFTs में। मतलब एक और चांस है आप सभी के पास कि आप उस मेमोरी को अपने पास स्टोर कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि हम ऑक्शंस देखते हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों की काफ़ी ऑक्शंस होती हैं एंड लोगों का यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है उन स्पोर्ट्स की चीज़ों से, हिस्टोरिकल चीज़ों से, वो काफ़ी देखने को मिलता है। एंड इस बीच जब हम 1983 की जो मेमोरीज हैं उनको दोबारा रिवाइव करेंगे, तो उन चीज़ों को जब NFTs में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मीन्स एक वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो उसकी हाइप तो सिर्फ अलग ही लेवल पे देखने को मिलेगी। अब हुआ ये है कि यहाँ पर आप 83 मूवी की NFTs को परचेज कर सकते हो, वो भी UPI के थ्रू, जो सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर आपको अपना मेटामास्क अकाउंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप UPI के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, उनके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हो। सो हम ये चीज़ देखेंगे किस तरह आप बाय कर सकते हो उन NFTs को एंड किस तरह आप उस हिस्टोरिक मोमेंट को अपने पास भी कैप्चर करके रख सकते हो। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे nft.socialswag.com एंड जब हम ये सर्च करेंगे तो हमारे सामने एक पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा एंड आप उसमें काफ़ी NFTs को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर फॉर योर आइज ओनली कलेक्शन भी है, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं 83 मूवी से रिलेटेड एंड काफ़ी NFTs यहाँ पर लिस्टेड हैं एंड और भी आनी बाकी हैं। यहाँ पर आप अपनी फेवरेट NFTs को एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप NFTs को परचेज कर सकते हो UPI के थ्रू। एंड यहाँ पर जब हम बाय NFTs पे देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी NFTs हैं एंड जो आपकी फेवरेट है आप उसको सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको किसी NFT का टाइटल पता है तो आप सर्च कर सकते हो एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी NFT आपको पसंद आई एंड आप उसको बाय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये NFT पसंद आई है, रणवीर एंड दीपिका एज कपिल एंड योमी, तो मैं इन NFTs को परचेज करूँगी, करना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ लिस्टेड प्राइस है, कितनी NFTs अवेलेबल हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी आ जाएगी। अब जब हमें परचेज करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर इनपुट करना होगा एंड जब नंबर इनपुट हो जाएगा आपको कंटिन्यू करना है। आपके पास OTP आएगा जो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास कोई कूपन कोड भी है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। एंड जब यहाँ पर OTP आ जाएगा तो हम अपनी पेमेंट को और का जो प्रोसेस है वो स्टेप आगे लेकर जाएंगे। तो जब OTP एंटर होकर प्रोसेसिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगी। तो यहाँ पर जब प्रोसेसिंग हो जाएगी पेमेंट की, उसके बाद वो आपसे थोड़ी सी ऑप्शन मांगेंगे, मीन्स फ़ोन पे से करना चाहते हो, गूगल पे से करना चाहते हो, कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग। तो आप UPI के थ्रू करोगे तो गूगल पे, आपके पास आपको यहाँ पर UPI ID फिल करनी होगी एंड जब आप अपनी UPI ID फिल कर दोगे तो उसके साथ आपकी यहाँ पर जो पेमेंट है उसके लिए कन्फर्मेशन आएगी। तो पहले हम यहाँ पर अपनी UPI ID भरते हैं एंड ये जब हो जाएगा उसके बाद हमारी पेमेंट प्रोसेस होगी एंड हमारे पास एक कंफर्मेशन आएगा जिस ऐप के थ्रू हम पे कर रहे हैं, जिस UPI एप्लीकेशन के थ्रू, एंड फिर वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है एंड उसके बाद आपकी यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है एंड GST IN ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो आपको यहाँ पर नेम, ईमेल एड्रेस डालना है एंड उसके बाद आपको कंप्लीट परचेज पे क्लिक कर देना है। तो जब आप नेम और ईमेल एड्रेस डाल दोगे आपको कंप्लीट परचेज पे क्लिक करना है एंड जब आप कर लोगे तो आपकी पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड आपके पास आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ओनर ऑफ दिस NFT। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो एंड जब डाउनलोड हो जाएगी
तो ये वीडियो के फॉर्म में थी, तो आपको जब डाउनलोड होगी आप उसको ओपन करके देख सकते हो, वो आपके सामने एक वीडियो के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी। तो काफ़ी यूनिक NFTs हैं यहाँ पर एंड काफ़ी कलेक्शंस भी हैं NFTs की, और भी लॉन्चेस होने वाली हैं। सो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सो यहाँ पर अब आप कम ओनर हो इस NFT के। और अगर आपको देखनी है आपकी NFTs तो आप यहाँ पर राइट साइड क्लिक करके माई NFTs पर जा सकते हो एंड यहाँ पर आपकी NFTs आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, आप उनको व्यू कर सकते हो एंड आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप ओनर हो इस NFT के, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो भी कम्प्लीट हो चुकी हैं। एंड अब हम ये देखेंगे कि ये जो सेम चीज़ है वो हम लैपटॉप में किस तरह करेंगे, किस तरह हम लैपटॉप पे भी बाय कर सकते हैं NFTs को विद UPI। आपने देख लिया होगा किस तरह आप परचेज कर सकते हो NFTs को, वो भी थ्रू UPI। काफी इजी था एंड यहाँ पर आप ओनरशिप गेन कर लेते हो उस पर्टिकुलर NFT की। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे इन NFTs को क्यों परचेज करना चाहिए, तो सबसे पहली बात ये इंस्पिरेशन है, मींस बाय हिस्ट्री हमें यहाँ पर काफ़ी मींस एज अ ट्रिब्यूट हम इसको परचेज कर सकते हैं एंड ऑल्सो ये आपकी पैसिव इनकम का भी साधन होगा। यहाँ पर आप अपनी NFTs को रीसेल कर सकते हो एंड उससे पैसिव इनकम भी गेन कर सकते हो एंड हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे हमें इसकी और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, इनका म्यूजियम भी क्रिएट हो जाए जहाँ पर आप अपनी आपकी जो NFTs है उनको डिस्प्ले किया जाएगा एंड उससे भी आपकी पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगी। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो, वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फिल्म स्ट्रीट फॉर मोर सच अपडेट्स।